वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं निशा वर्मा। यूपी के 58 सीटों पर मतदान जारी है, शांतिपूर्ण मतदान हो रहे हैं। इसी बीच एक शख्स ने एक वीडियो शेयर की, वीडियो बूथ के अंदर की थी। खबर आगरा की है। एतमादपुर विधानसभा में एक बूथ एजेंट ने गोपनीयता भंग की। शख्स ने ईवीएम के साथ वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाल दिया। जाने कौन सी बहादुरी का परिचय दे रहे थे जनाब। अब सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया न जाने क्या क्या करवाए। सोशल मीडिया के लोग इतने आदी हो चुके हैं कि हर एक पल को शेयर कर लेते हैं, और ऐसे ही इस शख्स ने भी किया। अपनी वीडियो बनाई और जनाब ने फेसबुक पर डाल दी। वीडियो वायरल हुई और यूपी पुलिस भी एक्शन में आ गया। फेसबुक पर जनाब का चेहरा चमक रहा था और अब हाल जरा देख लीजिए। इस प्रकरण में आरोपी अजय चौहान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो आप भी ध्यान रखिएगा कि चुनाव एक गोपनीय प्रक्रिया है और इसको वायरल करके हीरो बनने के चक्कर में आप भी विलन मत बन जाना। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 58 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। चुनाव आयोग द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सुबह 11 बजे से 20% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। कई पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। हमारी इस खबर पर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।